मित्रों, किसी ने क्या खूब कहा है, कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना अधिक गहरा हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन में ही हल मिलता है। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन दा द्वारा 1986 में लिए गए एक ऐसे विवेकपूर्ण निर्णय का। उस समय महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी, मैं बात कर रहा हूँ 1986 का, और वो गवर्नमेंट ने बॉलीवुड पर 177% टैक्स इंप्लीमेंट करने का निर्णय लिया था, जिससे कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने हड़ताल शुरू कर दिया और उन लोगों को साथ देने के लिए बॉलीवुड के दिग्गज चेहरा दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, सुनील दत्त, अनिल कपूर जैसे नायक महानायक उसमें कूद पड़े थे। लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही थी और सरकार कहीं भी उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई समझौता करना नहीं चाहती थी। और इस नियम में ये था, फिल्म रिलीज होने के पहले आप इतने टैक्स गवर्नमेंट को पे करें, उसके बाद जो है सो फिल्म को रिलीज करें। एकदम बुरा हाल हो रखा था और सारे, मैंने जितने नायक का भी नाम लिया, वो सारे लगे हुए थे, लेकिन फिर भी कहीं कुछ होता नहीं दिख रहा था। और अंत में स्थिति ऐसी थी कि अब वो हड़ताल जो स्ट्राइक हुई थी वो टूटने वाली थी। लेकिन मिथुन दा के एक विवेकपूर्ण सोच ने उस स्ट्राइक को ना सिर्फ सफल बनाया बल्कि बॉलीवुड का ऐतिहासिक स्ट्राइक भी बनाई। मित्रों, आप जानना चाहते होंगे आखिर क्या किया मिथुन दा ने, कैसे किया उन्होंने इस स्ट्राइक को सफल, तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर भी करें। चलिए आते हैं कहानी पे। मिथुन दा उस स्ट्राइक को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे थे। उसके बाद एक दिन वो चुपके से बिना किसी को जानकारी दिए सुबह सुबह मुंबई के अभिभावक कहे जाने वाले बाला साहब ठाकरे के पास पहुँचते हैं और उनको जाकर के उन्होंने बोला कि आप मुंबई के शान हैं, अगर बॉलीवुड बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे, टूरिज्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगा, लोगों का आना जाना बंद हो जाएगा, आप मुंबई का अभिभावक हैं, पूरा मुंबई आपका राय जानना चाहता है। बाला साहब को मिथुन दा द्वारा कही गई इन बातों से कन्विंस हो गए और उन्होंने अंत में मिथुन दा को बोला कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे तुम लोगों के साथ है, जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी मैं खड़ा रहूँगा। फिर क्या चाहिए था, उन्होंने वहाँ के बाद जो मजदूर यूनियन होते हैं, बहुत सारे पेशेवर संगठन होते हैं एक फिल्म के निर्माण में जिनकी ज़रूरत पड़ती है, टेक्नीशियंस की टीम, टेंट वाले होते हैं, कैमरा वाले होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वाले जो लोग होते हैं, इस तरह के लोगों को भी उन्होंने संपर्क किया और उनको जाकर के बोला कि यदि सरकार इतना टैक्स 177% टैक्स इंप्लीमेंट करेगी तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी और इंडस्ट्री जब बंद होगी तो आप सब के सब बेरोजगार हो जाओगे। ये बात उन्होंने भी स्वीकार किया, उनको भी कन्विंस किए मिथुन दा ने। उसके बाद बाला साहब के आशीर्वाद से उनके शिव सैनिक और ये जो यूनियन, ये जो मजदूरों की यूनियन थी, टेक्नीशियंस की यूनियन थी, वो भी उसके बाद पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिए उस स्ट्राइक में। उसके बाद भीड़ की एक हुजूम खड़ी हो गई, जिसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा और सरकार ने इन्हीं चार दिनों में वार्ता के लिए स्ट्राइक करने वाले डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के टीम को आह्वान किया। उसके बाद वार्ता भी हुई और वार्ता में सरकार भी बैकफुट पर आ गई। उसी समय सांसद रहे सुनील दत्त जी ने ये बोला कि ऐसे ही पायरेसी के वजह से फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी लॉस में चल रही है और ये नई जो टैक्स आप इंप्लीमेंट करना चाहते हैं 177% की, जो बिल्कुल
बेतुका है। इसमें हमें सोचना चाहिए और इसे इमीडिएट इफेक्ट से हटाना चाहिए। और अंततः हुआ वही, और बॉलीवुड एक ऐतिहासिक स्ट्राइक को सफल बनाता है। इसके पीछे एक नए नायक इन दिनों मेहनत के बल पे उभर रहे होते हैं, मिथुन दा। उनकी बहुत बड़ी विवेकपूर्ण निर्णय होता है, उन्होंने वो रिस्क लिया और पूरे स्ट्राइक को सफल बनाया।